जो जो मैं कर सकता हूँ वो जरूर करूंगा, दिल से करूंगा। बातें नहीं मैं बताऊंगा, ना मैं कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन हर वक्त काम करके दिखाऊंगा। बीजेपी ने पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट से बॉलीवुड स्टार सनी देओल को मैदान में उतारकर लड़ाई रोमांचक बना दी है। इस सीट से साल 2014 के आम चुनाव में फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना ने जीत हासिल की थी, मगर उनके निधन के बाद हुए साल 2017 में उपचुनाव में बीजेपी ये सीट हार गई और कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ सांसद चुने गए। ये सीट फिर से अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने एक बार फिर फिल्म अभिनेता सनी देओल को उतारा है। पुलवामा आतंकी घटना के बाद हुई एयर स्ट्राइक की वजह से छाए राष्ट्रवाद के माहौल के बीच बीजेपी का सनी देओल को उतारना मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। देशभक्ति से जुड़ी बॉर्डर, गदर जैसी फिल्में करने वाले सनी देओल की फिल्मी इमेज से कांग्रेस थोड़ी मुश्किल में पड़ गई है, मगर उसने भी इस सीट पर खास तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल सनी देओल भले ही पंजाब के रहने वाले हो, मगर वो गुरदासपुर के लिए बाहरी उम्मीदवार ही है। अब सूत्रों की माने तो कांग्रेस उन्हें बाहरी के मुद्दे पर ही घेरने की रणनीति बना रही है। पंजाब कांग्रेस प्रभारी आशा कुमारी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया था कि ये बीजेपी का दिवालियापन दिखाता है कि वो इतने बड़े पंजाब में से कोई स्थानीय नेता नहीं दे पाए, उन्हें बाहर से लोगों को लाकर लड़वाना पड़ रहा है। बाहरी के अलावा सनी की फिल्मी इमेज तोड़ने के लिए भी कांग्रेस पूरा प्लान बना रही है। अभी हाल ही में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान भी आया था, जिसमें उन्होंने सनी देओल की फिल्मी फौजी की इमेज पर तंज कसते हुए कहा था कि वो फिल्मी फौजी हैं, जबकि मैं तो असली फौजी हूँ। ये चुनावी रण है, यहाँ फिल्मी इमेज काम नहीं करती। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की योजना है कि आने वाले दिनों में वो गुरदासपुर में बीजेपी को घेरने के लिए 2015 में हुए दीनानगर हमले, पठानकोट एयरबेस पर हमले और पुलवामा हमले में सुरक्षा की चूक का मामला उठाते हुए हमला करेगी। साथ ही कांग्रेस सनी के बाहरी होने का मामला भी जोर शोर से उठाएगी। इसके अलावा यहां करतारपुर कॉरिडोर मामले के साथ युवाओं को रोजगार का मामला भी उठाया जाएगा। इसके अलावा विनोद खन्ना की पत्नी कविता खन्ना की नाराजगी को भी अगर कांग्रेस मुद्दा बनाती है तो बीजेपी को भारी पड़ सकता है, क्योंकि कविता खन्ना पहले से ही टिकट न मिलने की वजह से नाराज है। हालांकि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की संभावना से इनकार किया है। बात 2014 के चुनाव की करें तो इस सीट पर जीत हासिल करने वाले विनोद खन्ना को 4,82,000 से भी ज्यादा वोट मिले थे, मगर 2017 में विनोद खन्ना के निधन के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी को 3,00,000 से कुछ ही ज्यादा वोट मिल पाए थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार सुनील सिंह जाखड़ को करीब 5,00,000 वोट मिले थे। लेकिन फिर भी कांग्रेस के लिए सनी देओल को हराना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सनी देओल को उनकी पॉपुलैरिटी का फायदा तो मिलेगा ही, साथ ही उनके साथ सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड पीएम मोदी है, जो सिर्फ एक रैली से हवा बदलने का दम रखते हैं। फिलहाल अब ये देखना है कि गुरदासपुर का गुरु कौन बनता है, सनी देओल या फिर सुनील सिंह जाखड़। आज एक ऐसी शख्सियत भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं जिनका परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है, जो परिचय की मोहताज नहीं है। आज फिल्म जगत की मशहूर शख्सियत सनी देओल जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार में मंत्री पीयूष गोयल जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी हम लोगों के मध्य हैं। श्री श्वेत मलिक जी हम लोगों के मध्य हैं और तरुण चुग जी हम लोगों के साथ हैं। मैं सबसे पहले निर्मला जी से आग्रह करूंगा कि श्री सनी देओल जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची दें और उनका स्वागत करें। श्री पीयूष गोयल जी से मेरा आग्रह है कि सनी देओल जी का स्वागत करें पार्टी में। श्वेत मलिक जी से मेरा आग्रह है कि वो भी बुके देके स्वागत करेंगे।
हरियाणा सरकार में मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी भी हम लोगों के मध्य हैं। मैं सबसे पहले पीयूष गोयल जी और निर्मला जी हम लोगों के मध्य, मैं आप दोनों लोगों से आग्रह करूंगा कि पहले सनी देओल जी के पार्टी में स्वागत करने के लिए दो शब्द बोलें। निर्मला जी से फिर आग्रह की पहले बोलें। I'm indeed very happy to receive a firebrand, popular, very committed to his art, young great artist from the Bollywood, Shri Sunny Deol. The moment we got to know that he is coming into the party, I could only relate to the film Border that he had made, post which the impact on the Indian audience of such a theme was really proven, that the feeling of Indian nationalism, patriotism, when so beautifully evoked through film, can really touch the chord of every Indian citizen. And it is that which makes, I assume, that's of course something which Mr. Deol himself would speak about, but it is that which draws somebody like him, who serves the people through his art and who has the commitment to build on themes which are so important for this country, nationalism, to feel for our country, to feel for what happens at the borders, and to make a film which can touch people's hearts, just makes it clear that here's a person who understands the pulse of the people, who understands what drives the core of this country, and to have an artist of that eminence who, over and above the commercial considerations, also thought about themes which are very important for this country. Such a great hero who has a artistic blood running in his family, I'm very pleased to welcome him into this party. Also because we are being led by a Prime Minister who has been very, very close to the issues related to our borders, issues related to our armed forces, issues related to how to keep this country's fame and glory high, and to touch that chord of nationalism in our people. So looking at the activities of the Prime Minister, who's serving the cause of the people, who keeps India's glory high, I'm sure Sunny Deol has been attracted to the work of the Prime Minister, and today he's taken the call to join BJP. I welcome you. Shri Piyush Goyal ji, shabdon ke madhyam se Sunny Deol ji ka swagat karenge. Aaj ek prakar se kai varshon ka parivarik sambandh rajneetik sambandh banne जा रहा है। मुझे अभी तक याद है 2008 की वो घटना जब सनी जी के पिताजी माननीय श्री धर्मेंद्र जी हमारे माननीय सांसद थे और एक क्रूशल पार्लियामेंट में वोट होने जा रहा था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो अमेरिका में एक ऑपरेशन के बाद रिकुपरेट कर रहे थे, लेकिन पार्टी के आदेश पर अस्पताल से सीधा एरोप्लेन में बैठ के दिल्ली आना, पार्लियामेंट जाना, उस वोट पे पार्टी के आदेश पे अपना मत देना और फिर वापस अमेरिका जाके अस्पताल में भर्ती होना। इस प्रकार की प्रामाणिक दृष्टिकोण से जिस प्रकार से माननीय धर्मेंद्र जी ने देश की सेवा की, देश में राजनीतिक जीवन में प्रवेश करके अपनी छाप छोड़ी, वैसे ही आज उनके सुपुत्र माननीय श्री सनी देओल जी ने राजनीतिक जीवन में जो प्रवेश किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक अच्छे राजनेता, एक अच्छे इंसान सेवा भाव से, संवेदना से जनता की
बीच में रह के आगे एक अपनी छाप राजनीतिक जीवन में भी छोड़ेंगे, ये हम सबकी पूरी कॉन्फिडेंस है, हम सबको पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से इन्होंने प्रामाणिकता से पूरे देश विदेश में भारत का नाम रोशन किया, एक जिस प्रकार से इनका किरदार रहा अलग अलग फिल्मों में, माननीय निर्मला जी ने ठीक कहा, वो सिर्फ एक एक्टिंग नहीं हो सकती है, जब तक वो दिल से नहीं निकले, वो भावना दिल में ना हो तब तक वो भावना फिल्म में निकालना असंभव है। और मैं समझता हूँ इनके दिल का देश प्रेम, इनके दिल में जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग फिल्मों के द्वारा देश प्रेम जगाया, देश के सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया,